आज मैं आप लोगों को नाइन्थ क्लास पंजाब बोर्ड केमिस्ट्री के लॉन्ग क्वेश्चन बताने वाली हूँ प्रीवियस वीडियो में मैंने केमिस्ट्री के शॉर्ट क्वेश्चन बताए थे जो कि नाइन्थ क्लास पंजाब बोर्ड के स्टूडेंट्स के, के लिए थे इस वीडियो में मैं अब उसका सेकेंड पार्ट रिकॉर्ड करने वाली हूँ जिसमें मैं आप लोगों को इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन बताऊंगी और मैं आप लोगों को ये भी बताती चलूँ कि मैं टेंथ क्लास के ईच एंड एवरी सब्जेक्ट की स्कीम और गेस्ट पेपर्स बना चुकी हूँ तो कोई मुझे नीचे कमेंट में ये ना कहे कि टेंथ क्लास फिजिक्स बता दें टेंथ क्लास मैथ्स बता दें हाँ अगर आप लोगों को लिंक चाहिए होगा तो वो आप कमेंट्स में मुझसे जरूर पूछ सकते हैं मेरी कोशिश होगी रिप्लाई जरूर करूं आपको लिंक शेयर जो है वो कर सकूं मगर मैं ऑलरेडी इन सब पे वीडियो बना चुकी हूं तो पहले आप लोग हमारे चैनल पर जाके वो देख लीजिएगा फिर ही आके मुझे कमेंट्स में पूछिएगा कि आपने ये नहीं बनाया या वो नहीं बनाया मैंने टेंथ क्लास की ईच एंड एवरी सब्जेक्ट के बना दिए अब हम नाइन्थ का शुरू करने वाले हैं और नाइन्थ के इंपॉर्टेंट केमिस्ट्री के, के लॉन्ग क्वेश्चन जो है मैं आज बताऊँगी शॉर्ट्स में ऑलरेडी बना चुकी हूँ तो वो भी आप लोग देख लीजिएगा अगर वो भी नहीं देखी तो पहले वो चेक कर लीजिएगा फिर लॉन्ग पे आइएगा और अपनी तैयारी को अच्छा कर ले अगर आपको लगता है कि आप लोगों की तैयारी अच्छी हो चुकी है तो आप एक दफा ये लॉन्ग क्वेश्चन ज़रूर देख लीजिएगा अगर इसमें से कोई लॉन्ग क्वेश्चन मिस हुआ हुआ है तो आप लोग उसकी भी तैयारी कर लीजिएगा स्कीम जो है मैं केमिस्ट्री की ऑलरेडी बना चुकी हूँ पेयरिंग स्कीम भी आप लोग देख सकते हैं और उसके अकॉर्डिंग अपनी तैयारी कर सकते हैं ये सब चीज़ें मैं इसलिए करती हूँ क्योंकि आप लोगों का टाइम बहुत शॉर्ट रह गया और आपके शॉर्ट टाइम में आपकी तैयारी जो है वो अच्छी हो जाए और जल्दी हो जाए अगर किसी की तैयारी नहीं भी है तो उनकी हेल्प हो जाए तो आइए स्टार्ट करते हैं और केमिस्ट्री चैप्टर नंबर वन के इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन देख रहे हैं चैप्टर नंबर वन है आप लोगों का फंडामेंटल ऑफ केमिस्ट्री और इसके इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन दो हैं जो कि आप लोगों को स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं और क्वेश्चन नंबर वन है राइट डाउन द नेम्स ऑफ डिफरेंट ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री डिफाइन ईच आल्सो राइट द एग्जांपल्स एंड इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ ईच ब्रांच ठीक है और क्वेश्चन नंबर टू है डिफरेंस बिटवीन मॉलिक्यूल एंड ग्राम मॉलिक्यूल ठीक है molecule, ये आपका चैप्टर नंबर वन है और उसके इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है चैप्टर नंबर 2 पे आते हैं आपका जिसका नाम है स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स उसके इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन चार हैं क्वेश्चन नंबर वन है हाउ आर कैथोड रेज प्रोड्यूस्ड व्हाट आर द फाइव मेजर करेक्टरिस्टिक्स ऑफ कैथोड रेज हाउ रदर फोर्ड डिस्कवर डैट एटम हैज न्यूक्लियस लोकेटेड एट द सेंटर ऑफ द एटम यह आपने डिटेल में एक्सप्लेन करना है गिव द एप्लीकेशन ऑफ आइसोटॉप्स इन द फील्ड ऑफ रेडियो थेरेपी एंड मेडिसिन उसके बाद जो लास्ट इंपॉर्टेंट इसका लॉन्ग क्वेश्चन है वो है वट इज एन आइसोटॉप्स डिस्क्राइब द आइसटॉप ऑफ हाइड्रोजन विद डायाग्राम उसके बाद आपका चैप्टर नंबर थ्री आता है जिसका नाम है प्रियोडिक टेबल एंड प्रियोडिसिटी ऑफ प्रॉपर्टीज इसके इम्पॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन जो है उसमें नंबर वन पे है एक्सप्लेन द कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ मेन डिलीव फॉर द अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट इन द प्रियोडिक टेबल ये आप लोगों का पहला इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है और यकीन करें ये वाला क्वेश्चन जो है ना वो काफ़ी दफ़ा डिफरेंट अंदाज में भी आप लोगों से पूछा गया है मतलब कुछ चेंजेस करके आप लोगों से वो लाजमी पूछते हैं अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन है डिस्कस द इम्पॉर्टेंट फीचर ऑफ मॉडर्न प्रियोडिक टेबल और लास्ट है वाट इज आयनाइजेशन एनर्जी डिस्क्राइब इट्स ट्रेंड्स इन द प्रियोडिक टेबल फिर चैप्टर नंबर फोर है जिसका नाम है स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल्स इसके इम्पॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन भी चार है क्वेश्चन नंबर वन है एक्सप्लेन द टाइप ऑफ कोवुलेंट बॉन्ड्स with at least one example of each type what is chemical bond and why do atoms form a chemical bond how is a coordinate covalent bond formed explain with example or last here, what is metallic bond how it is formed in metals ये है आप लोगों का चैप्टर नंबर फोर चैप्टर नंबर फाइव जिसका नाम है फिजिकल स्टेट्स ऑफ मेटर इसके इम्पॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन भी चार हैं और उसमें नंबर विद एन एग्जांपल डिफाइन एंड एक्सप्लेन चार्ल्स लॉ ऑफ गैसेस डिफ्रेंशिएट बिटवीन क्रिस्टलाइन एंड एमोरफोरस सॉलिड्स हाउ मेनी टाइप्स ऑफ सॉलिड्स आर देयर राइट डाउन

फाइव करेक्टरिस्टिक्स ऑफ सस्पेंशन ये हो गया आपका चैप्टर नंबर सिक्स अब आप आते हैं चैप्टर नंबर की तरफ जिसका नाम है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री इसके इम्पोर्टेंट चार से पांच लॉन्ग क्वेश्चन हैं उसमें नंबर वन पे है डिस्कस द रिडॉक्स रिएक्शन टेकिंग प्लेस इन द रस्टिंग ऑफ आयरन इन डिटेल वट आर इलेक्ट्रोलाइट राइट इट्स टाइप कंपेयर द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइट एंड लवेमिक सेल ठीक है वट इज ऑक्सीडेशन नंबर स्टेट और राइट डाउन इट्स प्रॉपर्टीज और राइट डाउन इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स वो जिस भी हिसाब से आपसे पूछा जाएगा आपने उसको उस तरीके से एक्सप्लेन करना है अच्छा ये है चैप्टर नंबर आपका सेवन आई गैस हां जी सेवन है अच्छा सेवन में और भी लॉन्ग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जिस जिस तरह के ये है कि वट राइट आर नोट ऑन ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन अकॉर्डिंग टू एडिशन एंड रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड एक्सप्लेन विद एग्जाम्पल्स इसके बाद दो और इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन हैं जिसमें से नंबर सिक्स पे आता है वट इज़ प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रो प्लेटिंग हाउ इट हाउ इज इलेक्ट्रो प्लेटिंग ऑफ क्रोम कैरी आउट लास्ट है राइट डाउन टू और मोर डिफरेंट मेथड्स टू प्रिवेंट कोरिजन आपने कोरिजन के प्रिवेंशन के मेथड्स जो है डिटेल में बताने हैं अच्छा ये चैप्टर नंबर सेवन में बहुत इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन हैं ये आप लोगों ने ध्यान से पढ़ने हैं और ध्यान से करने हैं चैप्टर नंबर सेवन में से प्रॉबेबली ज्यादा लॉन्ग आ सकते हैं उसके बाद आपका जो लास्ट चैप्टर है वो है चैप्टर नंबर एट जिसका नाम है केमिकल रिएक्टिविटी उसके इम्पॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन जो हैं वो चार हैं जैसे नंबर वन पे है कंपेयर अल्कली एंड अल्कलाइन अर्थ मेटल्स डिस्कस द इनर्ट कैरेक्टर ऑफ सिल्वर एंड गोल्ड राइट फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स कंपेयर द आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ अल्कली एंड अल्कलाइन अर्थ मेटल्स तो ये आप लोगों के केमिस्ट्री के इंपॉर्टेंट नाइन्थ क्लास के लॉन्ग क्वेश्चन थे आप लोग इनसे प्रिपेयर कर सकते हैं और इन्हीं से तैयारी कर सकते हैं स्कीम जो है वो पहले देख लीजिएगा फिर आप उसके अकॉर्डिंग अपने चैप्टर्स को डिवाइड कीजिएगा आप लोग डिसाइड कर लीजिएगा स्कीम देख के कि आपने लॉन्ग क्वेश्चन कौन से चैप्टर के प्रिपेयर करने हैं ट्री आपके लॉन्ग क्वेश्चन आते हैं जिसमें से आप लोग टू अटैम्प्ट करने होते हैं और आपके ईच एंड एवरी सब्जेक्ट की डिविजन हुई हुई है तो आप लोग उसके अकॉर्डिंग अपने चैप्टर्स डिवाइड करके अपना टाइम बचा सकते हैं और कुछ चैप्टर्स आप चॉइस पे छोड़ सकते हैं स्कीमिंग को देख के उसके हिसाब से और कुछ चैप्टर्स की अच्छी तरीके से लॉन्ग कर सकते हैं ताकि आप लोगों का टाइम और आपकी प्रिपरेशन अच्छी तरीके से हो सके और टाइम बच सके वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा मैं दोबारा आऊंगी बाय बाय